देखिए, इस डिजाइन बनाने के लिए पहला फंदा हम उतार लिए। अब हम दूसरे फंदा को उल्टा बुन लेंगे। पांच फंदा हम यहाँ सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इधर से पांच फंदा हमने सीधा बुनेंगे। 3, 4, 5। इसी तरह हम फिर दोहराएंगे। एक फंदा उल्टा बीच में बनाए, पांच फंदा सीधा। 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ, पांच फंदा फिर हम सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम यहाँ दो फंदा उल्टा बना लेंगे और एक फंदा लास्ट का सीधा बुन लेंगे। उल्टी तरफ से सभी फंदे को हम उल्टा ही बुनेंगे। तरह से उल्टा हम बुनते हुए लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर हम तीसरी सिलाई, पहला फंदा को उतार लेंगे इसे। फिर हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा, पांच फंदा हम सीधा बुन लेंगे। 3, 4, 5। और फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पांच फंदा सीधा बुनेंगे। अब एक फंदा बीच में हम ये उल्टा बुन लेंगे। एक के जगह पे हम तीन चार भी कर सकते हैं। फिर पांच फंदा हम सीधा बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5। फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, पांच फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा यहाँ उल्टा बुन लेंगे। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। उल्टी तरफ से सभी फंदे को उल्टा ही बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, उसके बाद सब फंदा को उल्टा बुनते हुए पूरा करेंगे इस तरह से। अब फिर देखिए, पहला फंदा को हम उतार लेंगे, पांच फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए इस दो फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर यहाँ धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे का एक फंदा करेंगे। धागा अपनी तरफ, पांच फंदा सीधा बनाएंगे। फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर पांच फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए एक जाली। फिर धागा अपनी तरफ किए, दो फंदे का एक फंदा किया। फिर धागा अपनी तरफ करके पांच फंदा हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा, अंत का फंदा सीधा बुनेंगे। उल्टी तरफ से सभी फंदे को उल्टा ही बुनेंगे। देखिए, डिजाइन बनाने में अगर किसी तरह की परेशानी हो या बहुत अच्छा लगा, जो भी हो, कमेंट करके
जरूर बताएं, जिससे कि डिजाइन में अगर कुछ किसी तरह की परेशानियां होगी उसको हम सुधारेंगे, या फिर अच्छा होगा तो मुझे बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अब यहाँ देखिए, एक फंदा तो ये हम शुरू वाला उतार लिए, इस फंदे को उल्टा बुन दिए एक फंदा। अब यहाँ हम पांच फंदे का एक फंदा करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे का एक फंदा करेंगे। पाँच का एक किए, फिर धागा अपनी तरफ, एक जाली बनाए और यहाँ हम धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे का एक फंदा करेंगे। देखिए, धागा अपनी तरफ किए, यहाँ दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदा बीच में सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे का एक फंदा बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए पांच फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर बीच का एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पांच फंदे का एक फंदा, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, दो फंदा का एक फंदा कर लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए तीन फंदा यहाँ हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ किए दो फंदे का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए पांच फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ किए उल्टा बनाए, लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इसी तरीका को दोहराते हुए फिर हम दूसरा फूल बनाएंगे। देखिए, ये डिजाइन बनने के बाद इस तरह से दिखेगा, खासकर वही कार्डिगन और बच्चे के फ्रॉक के लिए है। ये गर्ल्स के स्वेटर में ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो अगर ये डिजाइन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि लगे कि ये डिजाइन आपको अच्छा लगा है, और कोई तरह की इसमें कठिनाइयाँ हो तो कमेंट के द्वारा बताएं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।